आपको मम्मी से गालियाँ खाकर बुरा नहीं लगता क्या? वो एक हैबिट है। हैबिट है? वो एक हैबिट रहता है जो वाह वाह क्या बात है, हैबिट बनाना पड़ता है। आपको पता है खिलना और फूलना दोनों में क्या फर्क होता है? जब कोई काम आप अपने मायके में करते हैं तो वहां लोगों का ना चेहरा खिल जाता है, और जब कोई काम आप अपने ससुराल में करते हैं तो वहां लोगों का चेहरा फूल जाता है। गूगल, बीवी को काबू करने का तरीका बताना। औकात से बाहर कुछ भी सर्च ना करे। तो देखो, अगर आपकी पत्नी आपसे ये बोले ना कि जो मर्जी हो करो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि करो, इसका मतलब ये है कि हिम्मत है तो करके दिखाओ। इन लड़कियों ने तो आजकल के लड़कों को बर्बाद कर रखा है, जब देखो तब बाबू। आपने मुझ में ऐसा क्या देखा था जो आप शादी करने के लिए तैयार हो गए? जी, मैंने अपनी बालकनी से आपको एक बार कपड़े धोते और बर्तन धोते देखा था। सुनो, अब तुम घर का काम मत करना, अब मैं खाना भी बना दूंगा, बर्तन भी मांज दूंगा, पोछा भी कर दूंगा और कपड़े भी धुल दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ बाबू। मुझे सोने का हार दिलवा दो, मैं 7 जन्म तक तुमको प्यार करूंगी। हार के साथ साथ कंगन भी दिलवा दूंगा, लेकिन बात इसी जन्म तक रहने दो। हमें नहीं करवाता कोई मौज और ना करवाता कोई शहर, घर में ही पड़े रहते 24 घंटे। मम्मा पापा को इतना तंग क्यों करते हो? बेटा, अगर मैं आपके पापा को तंग नहीं करूंगी तो उनको लगेगा बीवियाँ बहुत अच्छी होती हैं, और अगर वो दूसरी बीवी ले आए तो। हस्बैंड ने ऑफिस में बैठे बैठे फेसबुक पर पोस्ट किया, पंछी बनू उड़ता फिरू मस्त गगन में। तभी वाइफ का कमेंट आया, धरती छूते ही सब्जी ले आना अपने भवन में, वरना एक भी बाल नहीं बचेंगे तुम्हारे चमन में। तुम मुझे छोड़ के मत जाना, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगा बाबू। लोगों से लाइक्स और फॉलोज मांगना बस करो, बंद कर दो, बहुत ही चीप और डेस्परेट लगता है। और अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो प्लीज लाइक और फॉलो करें। चलो, हमने दुनिया वालों के कहने पर मान लिया कि दीवारों के कान होते हैं पर मुंह तो नहीं होता ना, बताएगी कैसे? अभी अभी मैंने 20 रुपए का गन्ने का रस पिया, अगर मेरी जगह दूसरा कोई होता तो साला ढिंढोरा पीटता, लेकिन मैंने किसी को नहीं बताया। हमारे घर में कुछ हो या ना हो, लेकिन एक पॉलिथीन से भरी हुई पॉलिथीन जरूर होती है, जिसे अम्मी संभाल के रखती है ऐसे जैसे पता नहीं कौन सा बड़ा खजाना हो। पत्नी अपने पति से बोली, सुनो जी, आज ऑफिस से जल्दी आ जाना, मूवी देखने चलेंगे। पति बोला, नहीं आया तो? पत्नी बोली, अगर टाइम से आए तो बीजेपी के चुनाव चिन्ह से स्वागत करूंगी, और देर करी तो फिर कांग्रेस के चुनाव चिन्ह से, और ज्यादा देर करी तो फिर केजरीवाल का चुनाव चिन्ह दरवाजे के पीछे रखा है, ध्यान रहे। क्या हुआ, इतना परेशान क्यों हो? अरे, सुबह से सिर में दर्द हो रहा है, नजला जुकाम भी हो गया और लग रहा है बुखार आ जाएगा। तो चलो डॉक्टर को दिखा के लाते हैं। आज तो बिल्कुल नहीं। क्यों? तुम्हें दिख नहीं रहा है मेरी तबीयत खराब है। सॉरी। गर्लफ्रेंड को खुश करने के 3 तरीके, देख कितनी गौर से सुन रही है, पहले बना तो ले।